hello kids good morning to all of you hope you all are well today we are going to learn english subject in english we have learned poem mice are nice we will continue with the exercise before that we will start one quick revision mice are nice i think mice are rather nice their tails are long their faces small they haven't any genes at all their ears are pink their teeth are white they run about the house at night the nibble things they shouldn't touch and no one seems to like them so much but i think mice are nice okay Uh, ये हम लोगों ने लर्न की थी पोयम उसके बाद हम लोगों ने हार्डवर्ड्स देखे थे जिसमें फर्स्ट था थिंक टी एच आई एन के थिंक एम आई सी ई माइस आर ए टी एच ई आर रादर एन आई सी ई नाइस टी ए आई एल टेल एल ओ एन जी लॉन्ग एफ ए सी ई एस फेसेस एस एम ए डबल एल स्मॉल सी एच आई एन चेन पी आई एन के पिंक इ ए आर एस इयर्स टी डबल ई टी एच टेथल्यू एच आई टी इ वाइट एच ओ यू एस इउस एन ई डबल बी एल इबल टी एच आई एन जी एस थिंक्स टी ओ यू सी एच ट एस डबल ई एम एस सिम्स एल आई के ई लाइक ये सारे हार्डवेर्स आप लोगों ने थ्री टाइम्स आपकी नोटबुक में लिखे थे अपने वर्ड मीनिंग्स भी लिखे थे उसमें फर्स्ट था नीबल इट मीन्स टू टेक अ स्मॉल बाइट्स एंड सेकेंड इज रादर टू अ सर्टेन एक्सटेंड ठीक है ये उसके मीनिंग्स थे ये भी आप लोगों ने थ्री टाइम्स अपनी नोटबुक में लिखा हुआ है Now, next is take the correct words to complete the sentences. First, the ears and teeth of mice are brown and white or pink and white, pink and white. Right? Second is mice do not have any eyes or chins, chins and एट नाइट माइस रन अबाउट द हाउस और पार्क हाउस ये भी आप लोगों ने लास्ट टाइम टेक्स बुक में कर ली है पर यह एक्सरसाइज इस बार आप नोटबुक में भी लिखेंगे ओके तो ये जो थ्री सेंटेंसेस है वो आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं नाउ नेक्स्ट कंप्लीट दिस सेंटेंसेस इन योर ओन वर्ड्स क्या करना है देखो यहाँ पे आपको दिया गया है एक पिक्चर uh, दिया है और सेंटेंसेस भी दिए हैं जिसमें ब्लैंक है जो आपको कंप्लीट करनी है ओके फर्स्ट इज़ इफ अ माउस केम टू माय हाउस आई वुड नेम हिम मैंने यहाँ पे मिकी रखा है माउस का नेम आपको जो भी अच्छा लगे आप माउस uh, का नेम वहाँ पे रख सकते हैं सेकेंड इज ही वुड प्ले विथ मी प्ले विथ आई विल प्ले विथ हिम क्या खेलेंगे हम उसके साथ हाई डेंसिक क्या खेलेंगे हाई डेंसिक राइट नेक्स्ट इज आई वुड फिड हिम समीज मैंने यहाँ पर मैंशन किया है चीज़ पर आप कुछ भी लिख सकते हो ओके देन आई वुड मेक अ बेड फॉर हिम इन अ कॉर्नर मैं एक कॉर्नर में उसका बेड लगाऊंगी बट वो तो कॉर्नर में रहेंगे ही नहीं है ना क्या करते हैं पूरे घर में घूमते रहता है, है ना यहाँ से वहाँ वहां से यहाँ ये एक्सरसाइज आपको अपनी टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करनी है ठीक है सिर्फ टेक्स्ट बुक में ही लिखना है नोटबुक में नहीं लिखेंगे नेक्स्ट इज मदर माउस हैज़ सिक्स बेबीज हेल्प फॉर नेम दैम एंड आपको क्या करना है द नेम्स मस्ट बी रैम आपको है ना आपकी नोटबुक में दो नेम दिए हैं फर्स्ट इज़ तोलू एंड सेकेंड इज मोलू ओके अभी आपको जो बाकी के फोर नेम्स सर्च करने हैं ना वो उसमें पीछे ओ एल यू ही मतलब रैमिंग होना चाहिए देखो यहाँ पे है तोलू मोलू है ना वो रैमिंग वर्ड है ओके okay? सो so, इसके अकॉर्डिंग ही आपको रैमिंग वर्ड्स लिखने हैं मैंने यहाँ पे सर्च करके लिखा है मैं आपको दिखाती हूँ तोलू मोलू फिर गोलू देन पोलू देन रोलू एंड सोलू ओके okay? मैंने इस तरीके से सर्च किए हैं आपके माइंड में भी अगर कोई न्यू नेम है तो आप लिख सकते हैं ओके okay? अभी नेक्स्ट हमको क्या करना है कंप्लीट दिस एक्सरसाइज इन योर टेक्स्ट बुक ये दोनों की दोनों एक्सरसाइज एक्सरसाइज बी एंड सी दोनों आपको कंप्लीट करनी है अपनी टेक्स्ट बुक में ठीक है नोटबुक में नहीं लिखना है नाव इंग्लिश ग्रामर का एक लेसन है लेसन नंबर एटीन वर्ड्स क्या करना है इसमें देखो एनिमल एंड their sounds. आपको पता है हर एक एनिमल का एक खुद का साउंड होता है राइट right? जैसे काउ है वो मोह ऐसे बोलते हैं है ना फिर लायन रोर्स देन बहुत सारे साउंड्स है राइट बर्ड्स आर सेइंग चेप है ना? तो हम लोग देखते हैं बहुत सारे एनिमल के साउंड्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं ये सारे के सारे साउंड्स आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं थ्री टाइम्स ओके सो लेट स्टार्ट कैट कैट सेज मिया देन चिकन चिकन सेज क्लक देन कॉस सेज हॉक देन डक सेज क्वैक डोंकी सेज इ डॉग सेज उफ उफ देन रैबिट सेज स्क्वैक बर्ड सेज चिप बी से बज बी मतलब हनी बी इट साउंडस बज बज ऐसे आती है ना आवाज बज तो देट इज साउंड बज देन अनदर आर देर लायन इट साउंडस रॉर स्नैक साउंड वो जब चलते हैं तब ऐसी आवाज आती है ना वो जैसे टंग निकालते हैं तो वहाँ पे है हिस ओके देन फ्रॉग इट साउंड क्रॉक है ना हॉर्स सेज ने एंड काउ सेज ओके सो ये सारे साउंड्स है वो आपको थ्री टाइम्स अपनी नोटबुक में लिखने हैं ओके okay? अभी उसके रिलेटेड एक ओके एंड मंकीज मंकीज भी है मंकीज साउंड्स चैटर ओके चैटर 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 तो मंकीज साउंड चैटर ये सारे साउंड्स आपको थ्री टाइम्स अपने नोटबुक में लिखने हैं और उसके साथ आपकी ग्रामर की जो टेक्स्ट बुक है ना पीसी रेन उसमें ये एक है एक्सरसाइज जिसमें आपको Uh, जो भी एनिमल है उसका जो साउंड है उसके साथ आपको मैच करना है ओके okay? हम यहाँ पे कर रहे हैं कैट कैट सेज मियाओ यस तो उसको मियाओ के साथ मैच करना है देन सेज क्या बोलती है हैं सेज क्लक ओके हैंड सेज क्लक चिकन भी क्लक एंड हैंड भी क्लक हैंड uh, के बेबी को क्या बोलते हैं यंग वन को क्लक ओके सॉरी चिकन तो वो क्या साउंड करते हैं क्लक देन स्नेक्स इज ओके एंड लायन रॉर ओके नाउ नेक्स्ट इज डक डक क्वैक क्वैक है डेना देन बी तो क्या साउंड करते हैं बज वो है ना आगे पीछे घूमते हैं ना तो मस्कीटोज को भी आपको आ, पता होगा कि मस्कीटोज भी आगे पीछे आते हैं ना तो जस, जस, ऐसे आवाज आती है तो दैट इज साउंड बस ओके देन डॉग डॉग बार्क यस फ्रॉग सेज क्रॉक है ना फ्रॉग साउंडस क्रॉक देन हॉर्स सेज नै एंड बर्ड्स ट्रिप ओके इस तरीके से आपको ये पेज कंप्लीट करना है ओके सो राइट एनिमल साउंड्स थ्री टाइम इन योर नोटबुक फाइन थैंक यू फॉर वाचिंग, स्टे होम स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग